सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। अब तेरे भेद खुलने का वक्त आ गया है रंगीली। आज तूने जो भी छुपाया है वो सब बाहर आने वाला है, तेरा सच भी और तेरी असलियत भी। रंगीली कौन है यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या बात है? आपके घर में रंगीली कौन है? उसके खिलाफ कंप्लेंट है, हम उसे अरेस्ट करने आए हैं। अरेस्ट? अरे ईका जो मिला है, का किया मैंने? चोरी की है तूने। हाय हाय इंस्पेक्टर साहब, ये जो दिख रही है ना छेल छबीली चमकीली सी, यही है रंगीली। अरे इसे गरीब समझ के हमने अपने घर में रहने के लिए छत दी, लेकिन ये कमबख्त, ये तो चोर निकली। हमारे घर की बहू का हाथ चुरा लिया। है? मेरा हाथ किसने चुराया, कब चुराया? ये बात है। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा हार, मेरा कीमती हार चोरी हो गया। इसी ने चुराया होगा, इसके अलावा कौन चुराएगा? कहा बोले जा रही हूँ, सड़क छाप लगती है क्या रंगीली तुमको? एक से एक बड़े घर में काम किया है मैंने, मजाल है कोई चीज इधर की उधर हो जाए? मेहनत करने वालों के हाथ चोरी चकारी नहीं होती, समझी? हाय हाय, देख रहे इंस्पेक्टर साहब, देख रहे? अरे इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। हम तो कहते हैं इसकी शक्ल क्या देख रहे हैं आप, गिरफ्तार कीजिए, ले जाइए इसे। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसको। कावेरी, अरेस्ट करो इसे। अब तेरा खेल खत्म रंगीली। चल बहुत हुआ तेरा, अब तैयार हो जा हवालात की हवा खाने। पर मैं थाने का ही जाऊं? मैंने कुछ नहीं किया है। ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं किया मैंने, गोली में रोकने के लिए कही नहीं। अरे चलो चुपचाप। किताबें भले ही ना पढ़ी हो रंगीली ने, लेकिन फिल्में एक से एक देखी हैं, और फिल्में देख के इतना जरूर जानते हैं कि बिना सबूत के पुलिस कौनों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब खुलेगी इसकी जुबान, अब सिर्फ वही होगा जो हम चाहते हैं। चलो खोलो ये हथकड़ी, ना अभी महिला मोर्चा और कमिश्नर को फोन करके आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी मैं। देख कर रहे हो, मजाक नहीं कर रही है रंगीली। बोलो, इसे ही समझाएगा? अरे पूरा यूनियन है आगरा में काम करने वाली औरतों का, ऐसा हंगामा करेंगे ना कि हथकड़ी लगाने से पहले आप सबकी यूनिफॉर्म उतर जाएगी। चलो खोलो। हाय हाय हाय, अरे आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, आप इसकी हथकड़ी क्यों खोल रही है? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो कुछ भी बकवास कर रही है, आप कहां इसकी बातों में आ रहे हैं? ए मेकअप की दुकान, कौन सबूत है तेरे पास कि उहार मैंने ही चुराया? हां अब जब सबूत ही नहीं है तो काहे का मुकदमा और काहे की जेल, खत्म खेल। सबूत है ना? है सबूत हमारे पास। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम तो कहते हैं इसकी कमरे की तलाशी ले लेते हैं, किसने चोरी किया हुआ हार हो ना हो अपने कमरे में ही छुपाया। तो आइए तलाशी ले लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। आइए, अगर ये लोग कमरे में चले गए और इन्होंने तलाशी ले ली तो अलमारी में इन्हें वो साड़ी मिल जाएगी जो हमने उस दिन पहनी थी जब विनायक ने हमें पहाड़ी से धक्का दिया था। ये
तलाशी काहे? हमने कहा ना, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। बुआ से कह के मैंने ही ये जाल बिछाया था पगली। अब ये दो कौड़ी की नौकरानी घर से बाहर भी जाएगी और इसके कमरे से इसकी असलियत का सबूत भी मिलेगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देख रहे हैं तलाशी के नाम पे कैसे इसकी घिग्गी बंद गई, इसकी जुबान कांपने लगी। इस बात से ये तय हो गया कि हो ना हो इसने हार कमरे में ही छुपाया है। चलिए इसके कमरे की तलाशी ले लेते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आइए इंस्पेक्टर साहब, चलिए हमारे साथ आइए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आप लोग भी आइए सारे। इंस्पेक्टर साहब, ये है इस नौकरानी का कमरा और हम तो कहते हैं आप इस कमरे का ना कोना कोना छान मारिए। हमें पूरा यकीन है कि वो चोरी किया हुआ हार आपको यहीं मिलेगा। तलाशी लीजिए, अब आप लोग भी लीजिए ना। हाँ ढूंढो। अब आएगा मजा जब ये पकड़ी जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, वो ड्रॉर, हाँ उसमें भी देखिए, हो सकता है वहां छुपाया हो इसने। मिल गया यार। बुआ इहार है वो कहा है ना, हमारी अम्मा कहती थी कि रंगीली तू ना बहुत सुंदर है तो कहा है नींबू और मिर्ची का हार अपने पास ही रखना, पूरी नजर वालों से बचाए रखेगा इहार। वो साड़ी कहाँ गई जो कल हमने देखी थी? कहाँ चला गया वो हार? हमने खुद रखा था यहाँ उसे। इसी हार के लिए आपने हमें बुलाया था। रंगीली के कमरे से तो कुछ नहीं मिला, अब क्या करें? इंस्पेक्टर साहब, क्या करना है, आप जा सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, आपको बुआ जी की वजह से तकलीफ हुई। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, अभी तलाशी पूरी थोड़ी ना हुई है, अभी तो तलाशी बाकी है, बाकी कमरे भी तो बाकी है, कानून तो सबके लिए एक ही है ना। बाकी कमरे मतलब? का पता दूसरे कमरे में उहार मिल जाए, तुम्हें उहार चाहिए कि नहीं? हार तो चाहिए। अपनी बकवास बंद कर। हा? अरे हम लोग इस घर के मालिक हैं, भला हम ही अपने घर में चोरी क्यों करेंगे? लो आप ही दाढ़ी में तिनका क्यों फड़फड़ा रहा है? हा? अरे जब मन में चोर नहीं है तो तलाशी कराने में का हर्ज है, किस बात का डर है? अरे हम डरेंगे वो भी तेरे जैसी दो कौड़ी की नौकरानी से? कभी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हम तो कहते हैं हमारे कमरे की तलाशी सबसे पहले लीजिए, आप आइए हमारे साथ, चलिए। बहुत दिमाग चलाने का शौक है ना, इसके लिए तुझे अच्छा सबक सिखाएंगे हम। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप, अच्छे से खोजिए, खोजिए वहां, देखिए वो कबाड़ के अंदर, कबाड़ के अंदर वहां। बस दो मिनट रुक जा, अभी हम सबके सामने सारा सच लेके आते हैं, पता चल जाएगा कि हमारे कमरे से कुछ नहीं मिला है। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, हम भी आपकी मदद करते हैं। हाँ देखिए हमारे कब
इंस्पेक्टर साहब, ईरा उहार। अब पूछिए इनसे कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ई मेकअप की दुकान के साथ का सुलूक किया जाए। और खोदो गड्ढा दूसरों के लिए, गिरे ना धम करके। अब जाओ जेल और पीसो चक्की और वहीं रहो बिस्तर लगा के। क्या मतलब? मतलब कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। सोले फिल्म में धर्मेंद्र बाबू ने क्या कहा था? बुढ़िया चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। लाड़ी है ये रंगीली की बच्ची, इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसने वाली है। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा इसे सबक सिखाने के लिए। अरे बिट्टू बेटा, माया रानी, निशु रानी, अरे कोई तो हमें बचा लो। अरे पार ने कहा था कि लाड़ली बेटी को पुलिस वाले ऐसे हथकड़ी लगा कर घसीट तो में ले जा रहे हैं। अरे कोई कुछ तो करो बेटा, अगर बात होती ना बंद करो ये ड्रामा, ले चलो ना। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। वो बच्ची को छोड़ दीजिए। अरे अरे ऐसे कैसे छोड़ दो पना? हेलो हेलो, पीछे हटो, दूर रह के बात करो। अच्छा, हम नौकर हैं, छोटे हैं तो पीछे हट जाए, ये कैसा भेदभाव हुआ? हाँ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है फिर कैसा? हम भी सुनना चाहते हैं, बोलो बोलो। तुम एक हैवान हो जिसने अपनी बीवी को मारा, वो विनायक नहीं जिससे हमने प्यार किया। संभाल के, कहा था ना मैंने उससे दूर रहना। जब अकल नहीं है तो दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहती हो जिसकी वजह से ये अपना राशन पानी लेके चढ़ गई तो मुझ पे? मुझे बस ये जानना है, जब पुलिस मुझे लेकर जा रही थी तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, तो अब तुम अपना मुंह बंद करोगी 2 मिनट के लिए? अगर ददिया इस घर में होती तो घर की बात कभी बाहर नहीं जाने देती। मैं भी वही कर रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, वो अजी को छोड़ दीजिए, ये हमारा घर का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे। और अगर आप चाहें तो मैं कमिश्नर से बात कर सकता हूं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है सर। और हाँ, हम रंगीली के अगेंस्ट की गई कंप्लेंट भी वापस लेते हैं। आप गाड़ी खोल दो। अगर कोई तकलीफ हुई हो मैं माफी चाहता हूँ। चलिए ये फोन वाला आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया?
विनायक की वो कड़ी है जो हम इस सच तक और उस लड़की तक पहुंचा सकता है। विनायक सच बोले या ना बोले, लेकिन उनका फोन तो सच ही बोलेगा ना। अपने पति का सच जानने के लिए तैयार हो जा सिद्धि, तो अब तुझे पता चल जाएगा कि वो कौन सी लड़की थी जो विनायक का साथ दे रही थी, जिसने विनायक का साथ दिया हमें पहाड़ी से धक्का देने में, वो भी तब जब तू मां बनने वाली थी। हमें विनायक के सारे कॉन्टैक्ट्स निकालने के लिए उनका फोन चाहिए होगा, और नंबर्स में उस लड़की का भी नंबर होगा जिसने पहाड़ी में विनायक का साथ दिया था। नींद में हमसे प्यार करने की बातें कर रहे, जबकि सच ये है कि होश में आप हमसे नफरत करते। तभी तो आपने हमें उस पहाड़ी से धक्का दे दिया था। इस बार हम आपको माफ नहीं करेंगे विनायक, अपने प्यार को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देंगे। सिद्धि, नौटंकी बाज रंगीली तो इस वक्त गई है मंदिर, और उसके आने से पहले ना हम ये सारा सामान उसके कमरे में रखे ट्रंक में जाके छुपा देते हैं। हाँ। ये खुल क्यों नहीं रहा है? विनायक ने क्या पैटर्न रखा होगा? करते एस बना के देखते, क्या पता विनायक ने अपने पासवर्ड का पैटर्न एस रखा हो, हमारे नाम का पहला अक्षर। विनायक ने अभी भी हमारे नाम का पहला अक्षर ही अपना पासवर्ड रखा। इससे पहले कि हमें कोई देख ले, हम जल्दी से वो नाम और नंबर चेक कर लेते। अब क्या हुआ विनायक? माया, मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। मतलब साथ में रख के सोया था, पर अब नहीं है। फोन कहाँ जाएगा, रूम में ही होगा। आपने अच्छे से चेक तो किया ना? हाँ, मैंने देखा अच्छे से रूम में, और बेड के नीचे भी चेक किया, नहीं है।
एक मिनट, मैं डायल करती हूँ, रिंग होगा तो पता चल जाएगा कहाँ है। ये आवाज तो नीचे से आ रही है, मतलब मेरा फोन नीचे है। फोन यहाँ, ये यहाँ कैसे पहुंचा? बाल बाल बच गए, अच्छा हुआ सही वक्त पर हम इस बक्से के अंदर आकर छुप गए, वरना आज तो जाने क्या हो जाता। अगर विनायक और माया के हाथों पकड़े जाते तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये बक्सा हिल कैसे रहा? कोई इसे कहीं और तो नहीं ले जा रहा? एक मिनट, क्या है इसमें और कहाँ लेके जा रही हूँ? अरे मीनू, इसमें ना कुछ पुराने कपड़े हैं, हमने सोचा कि गरीबों को दान कर देते हैं। हाँ, रंगीली के कमरे में रखे इस बक्से में हमने उस सांवली सिद्धि के सारे कपड़े और उसका सारा सामान डाल दिया है ताकि उसका नामो निशान मिट जाए इस घर से, और विनू उसकी यादों से तेरा भी पीछा छूटे और वो हमें भी भूत बंद करके डराना बंद कर दे। जाओ लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। हाँ रुको, एक मिनट, चेक करना है मुझे। विनू तू क्या चेक करना चाहता है इसमें? वो मैं देखना चाहता हूँ, मेरा कोई जरूरी सामान तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं है। अगर विनायक ने देख लिया कि इस बक्से के अंदर हम हैं, तो हमारा सच सामने आ जाएगा। अब क्या करें? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.